को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सतनामी समाज के पदाधिकारियों ने धमतरी की गौशाला मैदान में धरना प्रदर्शन किया। सतनामी समाज जिला धमतरी द्वारा बहन मनीषा वाल्मीकि व छत्तीसगढ़ प्रिया कुर्रे के साथ हुई घटना के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आरपी संभाकर, आशीष रात्रे, काती सोनवानी, विजय सोनवानी, बद्री प्रसाद गंगवीर, अशोक मिश्राम, डीपी जोशी, संजय टंडन एवं तमाम समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। खास बात यह रही थी कि इस धरना प्रदर्शन में सतनामी समाज के साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं अन्य समाज के लोग भी इस प्रदर्शन को बढ़ावा देने पहुंचे। ऐसे ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागर राछापट्टा जांजगीर चांपा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। और से यहाँ पर हम लोग जन आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ये जन आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि इस देश की बेटी कुमारी मनीषा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की हैं, जिनके साथ में बलात्कार और हत्याकांड हुआ है और केवल उन्हें बलात्कार ही नहीं किया, हत्या भी नहीं किया है, लेकिन उन लोगों ने जो अंतिम संस्कार के समय में जो विधि विधान से किया जाता है, ऐसे संस्कार को भी ये संस्कारवान कहने वाला सरकार भूल गया और रात के 12 बजे वो उनका जला करके उन्हें नष्ट किया जाता है, उनके शव को नष्ट किया जाता है, उनके साक्ष्य को नष्ट किया जाता है। ऐसे जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के मिलीभगत से ये अन्याय अत्याचार किया गया है, जिसके विरोध में साथ ही साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेटी है उनके साथ में भी इस कुर्रे जो हमारी बेटी है उनके साथ में भी ये अमानवीय रूप से ऐसे दरिंदों के द्वारा जो बलात्कार करके और उनका भी हत्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस देश में ऐसा लगता है कि इस धरती में, हमारे भारत की धरती में महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के संबंध में ये शासन प्रशासन जो है वो सह दे रहे हैं। उसके विरोध में सभी धमतरी जिले के मूल निवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दुख इस बात का लगता है, अफसोस कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति का कोरोना होता है तो भारत का प्रधानमंत्री ट्वीट करके उसके स्वास्थ्य लाभ का जानकारी लेता है और आज इस देश में एक दलित राष्ट्रपति है, चर्चर दलित केंद्रीय मंत्री है, 131 दलित सांसद है, 78 महिला सांसद है, फिर भी दुर्भाग्य की बात है इतने संवेदनशील मुद्दा मानवता को सार-सार करने वाले घटना को आज दुख व्यक्त न करके न आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था के तहत चल रहे और जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो रात में दाह संस्कार नहीं होता और जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, शर्म आना चाहिए इसे। ऐसे हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मानवता को शर्मसार कर राजनीति कर रहे हैं और आज जो वाल्मीकि बहन के साथ अत्याचार हुआ है तो वो एक दलित की बेटी, लेकिन